तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। लेके आ गया तुम्हारा भाई एक और नई वीडियो। तो भाई साहब, आज आप देख ही सकते हैं सबसे पहले वाला नाम थाइनोस। तो भाई मैंने पहले सोचा कि इस बंदे को मारूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये बंदा हमारी ही टीम में। तो जैसे ये बंदा हमें नोवो ले गया, तो भाई मेरे हाथ में लगी M16A। तो जैसे ही फायर हुआ तो मैं उधर देखा तो बंदे सामने दिखे, तो मैंने फायर किया तो भाई थोड़ा डैमेज दिया, लेकिन इतनी देर में भाई क्या है कमाल का, इस बंदे ने स्प्रे दिया मुझे और उसी के साथ मैं नॉक। तो जैसे तैसे भाई मुझे थैनोस ने आगे दिया रिवाइव। तो रिवाइव होने के बाद फिर पेलेंगे इन बंदों को। तो जैसे मैं रिवाइव हो गया तो मुझे मिल्खा ने बोला मेरी तरफ बंदे हैं, तो पहले इस बंदे को करते हैं ख़त्म। इस बंदे ने कर दिया था मिल्खा को नॉक और उसी के साथ इसका दूसरा टीममेट। और भाई मेरे पास एमओ देखो सिर्फ 15 एमओ। तो उसी के साथ भाई इस बंदे ने जैसे ही अपनी टपली दिखाई तो उसी के साथ इसको एक ही टपली पे पड़ी और उसी के साथ ये बंदा हो गया किल। तो भाई जैसे ही मैंने बंदों को ख़त्म किया तो मैंने मिल्खा को किया रिवाइव। रिवाइव करने के बाद भाई मैं जैसे ही पिछली साइड पे कंटेनरों पे गया तो उधर मुझे दिखे बंदे, तो इस बंदे को मैंने थोड़ा सा लीड किया और उसने मुझे किया और उसी के साथ मैं थोड़ा सा कवर में आया। दूसरा बंदा भागा, उसे भी स्प्रे दिया लेकिन बच गया। तो भाइयों ये बंदा मेरे बिल्कुल ही नज़दीक था, लेकिन मैं पता नहीं कैसे बचा। तो इस बंदे को बहुत ज़्यादा स्प्रे दिया, बिल्कुल ही एक गोली से बचा ये बंदा। तो देखते हैं अभी इसके दूसरे टीममेट का क्या हाल करते हैं। जैसे ही ये सामने आया तो इसको मैंने कर दिया नॉक, लेकिन भाइयों इस बंदे की वजह से ये बच गया क्योंकि ये मेरे क्लोज में था और उसी के साथ इसको भी कर दिया ख़त्म। तो इसको ख़त्म करने के बाद भाई मैं इधर आया बैठा, तो बंदे को स्पॉट किया, लेकिन ये दोनों बंदे रिवाइव होने के बाद पीछे जा रहे थे और इसी के साथ इनको भी करते हैं ख़त्म। तो जैसे इनको ख़त्म किया मेरी सांस में सांस आई भाई। तो हमने पूरा नोवो क्लियर करने के बाद सीधा चल पड़े मेल्टा की तरफ। तो मेल्टा में भाई कोई बंदा नहीं मिला हमें, तो मेल्टा से घूम के हम आए शेल्टर में। तो शेल्टर में किसी बंदे ने भाई फ्लेयर चलाई थी, तो मैंने गाड़ी पीछे रुका के आगे बढ़ गया पैदल ही। तो जैसे ही इधर पहुंचा तो बंदा पता नहीं क्या भाई ये कर रहा था, ऊपर देख रहा था फ्लेयर नीचे थी, लेकिन उसी के साथ इसको भी करते हैं ख़त्म। तो ख़त्म करने के बाद भाई एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे नीचे से शेल्टर के अंदर से। तो मैंने थोड़ा टाइम वेट किया कि शायद वो बंदा बाहर आएगा, लेकिन वो नहीं आया। उसी के साथ मैंने पहले ड्रॉप लूटा, ड्रॉप लूटने के बाद मैं इधर आया क्योंकि जोन आ गया था और यही शेल्टर का दूसरा जो दरवाज़ा था ये था, तो इससे ही उसे आना पड़ता। तो मैं जैसे इधर आया तो भैया आप मुझे बताना ये बंदा था या बॉट है, मुझे कुछ नहीं पता। तो उसी के साथ इसको ख़त्म करने के बाद हम चल पड़े जोन की तरफ, और जोन से होते हुए हम पहुंचे भाई स्कूल के अपार्टमेंट्स में। तो अपार्टमेंट्स में जैसे ही पहुंचे तो इधर पहले से ही फाइट चल रही थी दो दो टीमों की। तो मैं और मिल्खा दोनों इस अपार्टमेंट में घुस गए बड़े वाले में। तो ये बंदा भाई बहुत ही उलझा रहा था, पहले इसे ख़त्म करते थे। जैसे इसे नॉक किया तो भाई साहब पीछे से हमें पड़ गई गोली। तो ये बंदे भाई साहब लेट कर स्प्रे दे रहे थे, तो इस बंदे को मैंने किया नॉक। उसी के साथ मैं इसे ख़त्म करने वाला था, उसी के साथ इसका दूसरा टीममेट भी साफ बना पड़ा था, उसने मिल्खा को कर दिया नॉक और मैंने मिल्खा को रिवाइव देना शुरू किया। और मिल्खा को रिवाइव देने के बाद जैसे ही मैं ऊपर आके अपनी हेल्थ लगा रहा था तो भाई साहब ये पिछली टीम का एक बंदा बचा था और इसको भी करते हैं क्लियर। और जैसे ही मैंने इसको क्लियर किया तो मिल्खा ने इस दूसरा बंदा जो साफ बना हुआ था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो जैसे हमने इधर भी ख़त्म करके बंदे पहुंच गए पोचिंकी में, अभी भाई बंदे बचे थे हमारा जो दूसरा तीसरा टीममेट था थैनोस, वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करने वाला बंदा नहीं था, वो पता नहीं क्या ही अपनी गेम खेल रहा था। तो पहले उसे एक बंदे ने कर दिया नॉक, तो मैं जैसे इधर पहुंचा तो भाई साहब इसे थोड़ा सा कवर दिया बंदे को स्प्रे दे के, बंदा गया कवर में, उसी के साथ थैनोस बच गया। और जैसे मैं आगे पहुंचा तो बंदा काफ़ी लीड हो चुका था और जैसे ही बाहर निकला उसी के साथ इसको कर दिया ख़त्म। तो भाई साहब क्या ही मज़ा आने वाला है आपको देखना भी। जैसे मैंने इधर लूट की तो भाई साहब मुझे गाड़ी का साउंड सुनाई दिया, तो आगे ड्रॉप गिरा हुआ था और ये बंदे पता नहीं क्या मज़े से ड्रॉप लूटने की कोशिश कर रहे थे, और इनको भी करते हैं क्लियर। और एक बंदा हो गया नॉक, उसी के साथ दूसरा बंदा भाई साहब उस टूटी हुई वॉल के पीछे लेटा हुआ था, और जंप एंड शूट करेंगे और उसी के साथ इसको भी करते हैं ख़त्म। तो भाई साहब ये बंदे हुए थे नॉक, इनके दो टीममेट पीछे फाइट ले रहे थे, लेकिन ये पता नहीं क्या ये इधर कर रहे थे। तो जैसे ही मुझे मिल्खा ने बोला कि इधर फाइट हो रही है तो मैं आ गया आगे, तो मिल्खा ने उसी के साथ एक बंदे को कर दिया नॉक।
तो मैंने सीधा ही रश करने की सोची। तो आप देखना अभी क्या होने वाला है भाई, ये पूरे चार बंदे थे और हम तीन। और जैसे मैं इधर आया तो पहले मैंने दो रैंडम नेड फेंकने की कोशिश की, एक मैंने दूसरे दरवाजे की तरफ फेंका कि कोई मुझे इधर से फायर ना दे, और ये मेरा नेड मिस हुआ। और जैसे इधर हुआ भाई आप देखना ये क्या हुआ, तो ये बंदा पता नहीं ओपन में क्या करने आ रहा था, और उसी के साथ इसको करते हैं ख़त्म। इसको ख़त्म करने के बाद भाई साहब आप देखना क्या ही बनने वाला है इधर। तो जैसे मैं इधर आया मिल्खा के ऊपर दो बंदों ने रश कर दिया, उसी के साथ एक को हम करेंगे ख़त्म, एक को मिल्खा ने कर दिया। तो कुल मिला के अब बचे हैं एक बंदा इस टीम का, तो जो के ऊपर बैठा है जाकर। तो मैंने दो रैंडम नेड फेंके कि शायद ये नेड में आ जाए बंदा, लेकिन मेरा बंदा थैनोस पता नहीं क्या कर रहा था और ये लपेटे में आ गया नेड के। तो जैसे मैं फिर सीधा रश मारने की सोच ली, और मैं और मिल्खा सीधा ही उस बंदे पे चढ़ गए। तो आप देखना क्या बनने वाला है उसका। तो भाई साहब अगर आपका भी ऐसे ही किल चोरी हुआ हो तो आप बताना। और इसी के साथ एक स्वादिष्ट सा डिलीशियस चिकन डिनर। तो अभी तक जिन बंदों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताजो तुम्हारा भाई ऐसी और नई वीडियो आपके लिए लेके आए। तो थैंक यू भाई लोग।